मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बहादुरी वाला काम वो किया। देखना ये सीन, देखना सीन, देखना। तो मैं हूँ आपकी प्यारी मरिया, मेरा सारा प्यार आपके लिए, आपके लिए मेरा सारा प्यार। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मुंह की स्याहियाँ भी नजर आ रही हैं। मैंने कहा यही तो बात है पाकिस्तानी और हसीन बाहर की कंट्री की, कि उनके मुंह पे अगर निशान आए ना, वो उस चीज को मानते हैं फैशन। ठीक है, वो कहते हैं कि वहाँ वो और तिल इधर लासन, फिल्टर भी आसान, तेल ला ले। लेकिन साढ़े मुंह पे अगर इधर आ जाए तो साढ़े तो दूसरी दुनिया में दूसरे लोग है, निशान आ गए, काली होगी, चिट्टी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी। इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव चीज से निकल आए ना हम लोग, अगर ऐसा भी बड़ी तरक्की कितनी हो यार। ये तूबा जो है सुबह सुबह पराठा बना रही है, कितना जबरदस्त तूबा आपने पराठा बनाया है माशाल्लाह। पहले व्लॉग के चक्रों में ना अब हमारा जो है ना पराठा में जला देना, ठीक। मेरी माँ जी थी आज मशीन भी ला के मेरे उठने तो पहले साफ सुथरी काले थी, टूथपेस्ट भी तो करना है। पेशी क्या बना रही हो अम्मी, तो सा किधर चले गए समाज जी, सुबह तो उसे तो ढूंढ रहे हैं, मैं जम्मू तो लंगी सा। देखो ना कितना सादा सामान, तो सब्जियां लेके आए हो आज, दिन से कितना क्या कह रहे हो, कितने पैसे ला के आयो? 550 रुपया बचे। शिमला में सब्जी वाला आज बाहर भी सी आया कि तो सानू अगे जाना पिया, महंगी होगी तो कोई नहीं, इधर जरा गली ते सब्जी वाला आना वे, वो कहना बहुत महंगी होगी मेरे बारे है। कदी साडी गली मुड़ के भी आया करो जी, कंदी थानू भी अंडा खिलाया करो। आज मेरी रोग ला लियाई महंगाई दाओ, रोग ला लियाई, माँ जी ने मेरी रोग लगा लिया कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। और शीरी आप इसमें बनाओ, इतनी देर तक मैं मुंह धो लूं। नाश्ता ले आई है और ये है जी अंडा, और मेरे लिए ये पराठा आधा। फेरी कॉल से नाश्ता कर रहे हैं हम, ये हमारी चाय भी आ गई है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन गए। नाश्ता वगैरह किया तो पता लग गया कि डेढ़ हो गया तो जोहर का टाइम हो गया, तो बस अब जो है ना खत्म करने लगते हैं। शीरी को देखते हैं कि शीरी क्या कर रही है। ये शीरी कुछ करने लगी है, लेकिन ये हम आपको राज की बात बाद में बताएंगे। तो आज के व्लॉग में मैंने थोड़े से गाने शाने ऐड कर दिए, वैसे ही बंदा मैंने कहा थोड़ा आपको गाने सुना दूं, पुराने भी और नए भी शायद मैंने ऐड किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो बुरे कमेंट करने से परहेज किया करें, कर भी दें तो चले मुझे यही होगा कि जो जैसा होता है वो वही कहता है। मेरी मम्मी कहने वाले जो जिस तरह का होना है वो वही कैसी। हाँ तू आप क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ अम्मी ये कहती है जो जैसा कहता है वही होता है, जो कहता है वही होता है, वही होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बहादुरी वाला काम वो किया जो कि मैंने अपनी जिंदगी को जारी रखा जब मैं मरना चाहती थी। जूलियट लिविस इनकी थी लाइन, तो मैंने सुनी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। जिंदगी में सबसे बहादुरी वाला यही काम होता कि जब आप हर जगह से थक जाते हैं और आपको हर जगह से मुश्किल होती है और आप कहते हैं कि बस मैं मर जाऊंगा, तो उस टाइम पे जो आप बहादुरी वाला काम करते हैं कि आप खुद को जिंदा रखते हैं और बहादुर बनते हैं, वही सबसे बहादुरी है। बहादुरी ये नहीं है कि ये कर लिया वो कर लिया, और बहादुरी ये है कि मुश्किल टाइम में खुद को प्रूफ करना और जिंदा रहना और
हंसते रहना, ये बहादुरी है। तो आपका अगर ये व्लॉग वायरल हो गया आप मुझे पिज्जा खिलाओगे? शेफी जी अगर मेरा ये व्लॉग वायरल हो गया ना शेफी, ते तू इस पे कितने व्यूज चाहना है तू दस? 1 मिलियन 100K भी आ जाए ना तो बहुत जबरदस्त है। शेफी हाथ में पकड़ाया बच पाया हुआ है। ये आपके लिए एवरीडे लाया था चाय बनाने। एवरीडे से कौन चाय बनाएगा? ये हमारे घर की नौकरानी है ना, वो बनाएगी। अरे अल्लाह जी वीरा, तुझे नौकरानी कह रहा शेफी? तेरे रिश्ता आया है? रिश्ता आया, वो आते रहते हैं, आते रहते हैं। शेफी बता दे ऐसी लड़की तुझे चाहिए। तू गोरी बन जाते तो तू कभी भी तस्वीर नहीं ला लगी? नहीं नहीं, तू कभी तस्वीर ला से ना तो तू नहीं आप ही खुश करा दे, आप ही ना व्लॉग वायरल हो जाए, तमाम खूबसूरत लड़की उठा के और मन वायरल करा देते। क्या आप आवाम नूर को देखना चाहते हैं तो बताएं, मैं अगली वीडियो में नूर को लेके आऊंगी। कितनी हसीन फ्रॉक स्टिच हुई हुई है ये हमने, कैसा आपको लगता है फ्रॉक, या किसकी फ्रॉक होगी? शेफी किसकी फ्रॉक बनाई हुई है? फ्रॉक का तो नहीं मुझे पता, ये बात फ्रॉक जिसे बनी हुई है, बेड के ऊपर शीट बेड शीट जो नहीं होती उससे बनाई हुई है ये चेयर। बेड नूर मॉडलिंग कर रही है, नूर वाली फ्रॉक कितनी लेती है? ये पापा बेइज्जत कर सन, पापा अंकल तू सब बेइज्जत ना करना, ये प्यारा मैसेज मेरे अंकल को है। अंकल भी मेरा व्लॉग देखते हैं तो अंकल तू सब बेइज्जत ना करना। अंकल बचिया ने पापा बनना, वो भी वीडियो तक नहीं तो फुको मेरी कहती है कि वो बेइज्जत करेंगे। तो मैं फुको को बताना चाह रही हूँ और मैं अंकल को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज इंजॉय किया करें वीडियो को, ऐसा वैसे कुछ भी नहीं होता, बेइज्जत ना किया करें। नूर मैं चाय कावा पीना सी, फुप्पो कहने गंदी देखी ना रसियां लाना वास्ते कावा पी। चल दस भी बनाने लगी हूँ ऐसे। हाँ। करके थोड़ी सी चीनी डालनी है। नूर देख ले सही कावा बनना चाहिए मेरा, बहुत सही चाय कावा बनेगा। आप कहोगे कि नूर नूर तेज वो सही ये गरम, ये अभी इसको मैं थोड़ा बॉईल करूंगी 30 मतलब मिनट सेकंड्स के लिए। हाँ। उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी, फिर इसमें मैं टी बैग डालूंगी जो कि टपाल ग्रीन टी की मशहूर टपाल की मशहूर नहीं करनी। हाँ फिर चल ठीक है, पान और खुल भी गया, ओ खुल भी गया, गरम भी हो गया, अब दोबारा रखेंगे इसमें। हाँ। ये टाइम हम टाइम साथ ही लगाया हुआ है, चाय भी बना रही है और किचन भी बहुत हसीन है, खूबसूरत। आप क्या कर रही है? अब इसको मैं धोने क्या फनकारी तू मेरे साथ मार रही है? मैं बताती हूँ अभी, आप देखना वो मैंने टाइम थोड़ा रखा था, आप देखना। ओके हाँ नूर सही कावा तू मेरे से लेके आई है, थैंक यू नूर। 2 मिनट में बना। अच्छा मैं पीने लगी हूँ, बीरा छोड़ दे कावे को, बीरा छोड़ दे, बीरा बैठ के ऊपर ना गिरा देना बीरा।